बीजेमआई फ्रीडम फेस ऑफ आपके लिए कैसे जा रहा है? वील स्टार्ट विद मॉर्टल। नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बॉयज के साथ खेलकर। इन लोग का जो चलता रहता है एक्चुअल कम्युनिकेशंस, वो तो हार्डली कुछ कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें दैट इज द रियल फन। बट लाइक हाउ इट फील्स टू बी बैक, लाइक एक भले फन इवेंट है बट वो कॉम्पिटेटिव वाइब तो आ जाता है, वी ऑल मिस यू इन द कॉम्पिटेटिव वाला पार्ट, सो हाउ इज द फीलिंग? अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब इट इट इज ऑलवेज फन टू बी बैक, एंड ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो इनमें खेलने में मजा तो बहुत आता है मुझे। वही चीज़ रिफ्रेश हो जाती है मेरे लिए जो पहले थी, एक कॉम्पिटिटिव वाइब रहना। जी एंड मतलब इवन दो इट्स अ फन इवेंट, बट आई एम प्रीटी श्योर जीतने के लिए तो हर कोई खेल रहा है। क्या खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ओके एक यहाँ गलती पे किया मैंने सिर्फ। गलतियाँ हुई, यहाँ पे भी दो तीन गलतियाँ हुई, लेकिन देखिए मैं अगर इसका देखो, अगर रिजल्ट, धीरे बोलना तो धीरे बोल सकते हैं यार, हम भी धीरे बोल सकते हैं। डैनवो ने तेज बोला, डैनवो डैनवो ने ने ये पास बोला। देखिए भाई जो चीजें डब्ल्यू उसको स्टार के साथ कंसिडर काम किया जाएगा। करोगे? डैनवो भाई मैं आपके साथ हूँ, आप आप टेंशन मत होगी लो। वोटिंग अब यहाँ पे वोटिंग सेगमेंट हमारा आएगा, तीन धुरंधर हमारे पास मौजूद हैं, जो दो वोट किसी एक के पास जाएंगे वो जीत जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद निंजा जॉर्ज। निंजा जॉर्ज जल्दी बताइए, और यहाँ पे वो बायसनेस लेके देख ले, देख ले निंजा। चलेगा। ओके मैं मॉर्टल में क्या जाना चाहूंगा। बात बात खैर आप बताइए, ब्रॉडकास्ट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। वो जिसके लिए है वो समझ गया होगा, वो अगेन किसी टीएक्स मेंबर के लिए नहीं है, बट हाँ गेमिंग कम्युनिटी के किसी बंदे के लिए। जो भी चीज़ रूमर्स है वो आप उस पर मत जाओ। टीएक्स में निंजा को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, कहाँ जाना है वो आपको निंजा बताएगा, बट जो भी है अपडेट्स निंजा के रिगार्डिंग वो आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। और सिंपल यही चीज़ मैं बोलूँगा, हम जाने वाले को रोक नहीं सकते, बट हम आने वाले को देख सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती रख के खिलाना इज़ वॉट आई फील इज़ नॉट राइट। बहुत सारे वॉनबी और ओनर्स हैं जो प्लेयर्स का करियर खा जाते हैं, तो हम उनमें से नहीं है कि भाई प्लेयर को बिठा दे, ये कर दे, भाई मेरे को पैसा दो, ये सब हम चुतियापा नहीं करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पे वही चीज़ें जैसे मैंने डे वन पे बोला था, अपने लौंडे अपने रहेंगे, बट कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है वो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा, बट आप टेंशन मत लो। और ये चीज़ झटके में जो भी हुई है, आपको न्यूज़ मिली है, आई थिंक इस चीज़ का बिल्डअप बहुत पहले के टाइम से चल रहा था बिफोर BGIS, तो उसके भी रिगार्डिंग हम बता देंगे आपको। अब कुछ पर्सनल किससे किसी को कोई दिक्कत है नहीं, बट हाँ और हमारे पास भी जो प्लेयर आएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। बस मैं यही बोलूँगा, खुद खुद कुछ होता है तो आवाज़ उठाओ अपने देश में, और गलत हो रहा है ब्रो, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बट घंटा कोई नहीं उठाएगा आवाज़ क्योंकि सबकी गांड फटती है। फैक्ट है, मैं भी इस चीज़ के लिए मेरे को बैकलैश मिले, बट ठीक है भाई, मेरे को जो नहीं लगता सही नहीं लगता सही यार। मैं चूतिया नहीं जो इतने सारे स्टोरीज बता रहा था कि एटलीस्ट मैं अपने ऑडियंस तक बताऊँ क्या चल रहा है देश में, ये छुप जाएगी। और ये लिटरली एक सर्कल ही है, कांड होता है, आवाज़ उठाते लोग, न्यूज़ चैनल वो चीज़ कवर करने की जगह पे कुछ और दूसरे टॉपिक पर डाल देगी, सारी ऑडियंस हल्ला कर रही होती है सडनली, अरे वो भी हो रहा है, वहाँ पे डाइवर्ट हो गए, लोग भूल गए, रिपीट रिपीट यही चल रहा है। भाई इतनी बड़ी अगर ऑडियंस रखते हो, कैपेबल रखते हो, एडुकेट करो अपने ऑडियंस को कि ब्रो गलत चीज़ हो रही है तो गलत चीज़ों के अगेंस्ट उठाओ। इंटरनेशनल कुछ भी हो जाता है लॉन्डे तुरंत खड़े हो जाता है स्टोरी डाल के, भाई हम हैं। और आपको ये कहानी बता रहे थे जो मॉर्टल ने आपको एक एडवाइस दी थी, आप वो अगर शेयर करना चाहें तो। मैं मॉर्टल भाई से जब भी मिलता हूँ मैं ट्राई करता हूँ उनसे कुछ ना कुछ सीखने की, क्योंकि वो इतने बड़े लाइक है मॉर्टल भाई, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप हेट कैसे डील करते हो, तो उन्होंने मेरे को बताया था हमेशा हेटर्स पे ध्यान दे क्या मिलेगा, जो तुम्हें सपोर्ट करते उन पे ध्यान दो। हम हमेशा जो भी करते कि सोचते हैं कि चलो ये करते तो हेटर्स को ये होगा, उनको प्रूफ करते, बट हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि हम अपने सपोर्टर्स के लिए क्या करेंगे। चीज़ उनसे बहुत अच्छे से सीखी थी और मैं अभी भी वही करता हूँ कि चलो मॉर्टल भाई ने बताया कि लाइक इतने वो बड़े हैं तो उनको पता होगा सब मेरे से बहुत ज्यादा, तो ये सीखने को मिला था। आप कहना चाह रहे हैं कि वो एनर्जी जो है उसको आप ट्रांसफर करिए, आप अपने हेटर्स को गलत प्रूफ करने के लिए नहीं, अपने सपोर्टर्स को सही प्रूफ करने के लिए खेलिए, और वो एक काफी बड़ी लर्निंग है जो मेरे ख्याल से हम सब यहाँ से लेके जाएंगे। बट निंजा और बताइए क्या चल रहा है आपके जीवन में, कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है फिलहाल, तो ट्रॉफी आ गया तो हर बार ट्रॉफी में जानी चाहिए। बट अभी BMPS की अगर हम बात करें जो अगला टूर्नामेंट आ रहा है, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत ही मजेदार चल रहा है, वही नए के साथ पुराने हंगर साथ। हंगर नहीं हटनी चाहिए तो वही बस ट्रॉफी। विधि क्या आप कुछ इशारा करना चाह रहे? नहीं नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ ऐसे कि हमारे साथ प्रैक्टिस आपकी ज्यादा अच्छी चल रही है, हम नए अच्छे प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है, फिर टीम एक्स पार्क जो पुरानी है उनके साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है? ऑब्वियसली टीम के साथ चल रही है, हाइड्रा टीम, डायनेमो एंड यहाँ पे टीम जो तमिलनाडु है, मेंटी की फाइट बहुत देर से चल रही है, स्पाइक को वहां पे डाउन कर दिया गया है, यही हम बात कर रहे थे कि टारगेट किया जाएगा वहां पे, टैंक को एंड टैंक को एलिमिनेट कर दिया गया, कुछ ज्यादा खास हमें देखने को नहीं मिलेगी। गोब्लिन अपनी टीम से एक आखिरी खिलाड़ी बचते हुए
कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे वो तो समय ही बताएगा। यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए तो बस एक ही तो उनको वो प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाला है। वो खिलाड़ी रिपेयर कर रहा था, कैसे ना कैसे करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। टीम मोटलो से टीम स्काउट यहाँ पे इंगेजमेंट थोड़ी हमें नजर आई। रोनी पाजी को भी यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया गया है, नकुल को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है स्काउट के द्वारा। सिचुएशन यहाँ पे प्रॉपर फाइट इंगेजमेंट की तरफ बढ़ती हुई, वहाँ पे स्काउट को डाउन कर दिया गया तो स्काउट का भी रिवाइवल यहाँ पे थोड़ी ही देर में स्टार्ट होता नजर आएगा। ओके, स्काउट को डाउन भी तो किसने किया है, मोटल वो पहले से ही तैयार थे और मोटल एक बार फिर से आगे निकले और क्या बढ़िया ग्रेनेड लॉन्चर का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और पर सारंग इसी बीच एक बढ़िया मोलोटॉफ का इस्तेमाल, सारंग पर खुद भी रॉनी के द्वारा डाउन कर दिए गए। और अब मॉटल और रॉनी दो खिलाड़ी बचे रहेंगे। स्प्रे गॉड वो आए तो सही पर उनकी पोजीशन पहले से ही पता है। रॉनी मॉटल रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं पर स्प्रे गॉड उनको भी पता है कि अगर रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया तो दिक्कतें ज्यादा हो सकती है। और आप देखिए तो सही कि उन्होंने दो खिलाड़ियों को रिवाइव कर दिया। टीम स्काउट की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है दोस्तों। यहाँ पे स्प्रे गॉड एक आखिरी खिलाड़ी उनके लिए बचे हैं। वन वर्सेस टू की सिचुएशन रहेगी स्प्रे गॉड के लिए एंड यहाँ पे स्प्रे गॉड को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मारो ना, मारो ना, खत्म भाई, खत्म भाई, क्या फेंक दिया इसने। नाइस, कोई एक बंदा भाई उठा सकता है। ओ गया गया गया, नेट आ रहा हूं मैं देख के। खत्म, नाइस, एक और नॉक, खत्म, किल कर रहा मैं। देख के देख के भाई, यार देख के देख के मोटर भाई, देख के लास्ट है आगे बंदे। मैं रेस दे रहा हूं, मोटर मत दो, चल दे दो दे। मत नॉक, मत, अरे नॉक नहीं, कोई देखने, कोई देखने, डेवलो डेवलो हो जाएगा। दूर मार रहा है, उसको पता नहीं, उसको पता नहीं, बग्गी पास, बग्गी पास, इधर बग्गी पास, आगे बंदे, इधर बैठ, इधर मोटर भाई, देखो मोटर भाई, देखो मैं जा रहा, मैं जा रहा, अभी इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, गाड़ी पास, गाड़ी पास, बंदे मार के आया, लास्ट 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 बंदे, देख नहीं रहा, ट्रैक्टर मोटर भाई, मोटर भाई नीचे है, वो देख मार के आया, लगी नहीं रे, नाइस वन, उठा के मार, इधर रुक जा भाई। और स्काउट, जब आप लास्ट टाइम ऐसे एक फन टूर्नामेंट खेलते तो निंजा जॉर्ड आपकी टीम में थे, आज मिस कर रहे हो आप उनको वहां पे अपनी टीम में या फिर नहीं? मिस तो बहुत कर रहे हैं लौंडे को, बट कोई ना, खेल लेंगे, क्या दिक्कत है। कुछ शब्द कहिए आप, आपके सामने स्काउट बैठे हुए, आपके बहुत अच्छा बॉन्ड है, हमें भी दिखाइए कैसी बातचीत करिए, कुछ कुछ पूछिए भाई, शांति से क्यों बैठे? वो तो बातचीत होती रहती है, इंटरनल कनेक्शन है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिल से दिल मैच हो जाता है। अभी के लिए बीजेएस 2024 बीत चुका है, बीएमपीएस 2024 आ रहा है, उसके बारे में बताइए कैसी चल रही है तैयारियां, एक और बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो हाउ इज इट गोइंग? आई थिंक ऑफिशियल्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के बीजेएमआई में, उनके करियर में, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, एक सेट करता है स्टैंडर्ड कि यू आर द चैंपियन ऑफ द कंट्री। और कोई भी टूर्नामेंट कितना ही बड़ा हो जाए, अगर आप ऑफिशियल नहीं जीत रहे हो, इट डज नॉट मैटर जी, वही बात हो गई ना, गली में आप जीते जा रहे हो बट वहीं पे नेशनल्स में सिलेक्शन करने में बाहर हो गए, ऑफिशियल से ज्यादा मैटर करता है। तो टेंस वाला माहौल है, बट कोई ना, कर लेंगे, मेहनत करते रहेंगे।